तो गौर से लास्ट स्टूडियो के अंदर हमने एरे मेथड्स देखे थे, क्या कहते हैं एरे के साथ क्या क्या मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, एरे की प्रॉपर्टीज देखी थी और उस वीडियो के अंदर हमने काफी कुछ देखा था। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब हम वेरिएबल्स देख रहे थे, वेरिएबल्स नहीं सॉरी, जब हम डाटा टाइप्स देख रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो यही वो वीडियो है और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। और यार मैं यहाँ पर एक कोई फाइल नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग से एक फाइल इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा अपनी HTML फाइल के अंदर, जिसका नाम मैं रखूंगा जैसे sixobjects.js, ठीक है, objects.js। अब देखो यार इस नाम की कोई फाइल कंसिस्ट नहीं करती, इस नाम की फाइल कोई मेरे फोल्डर के अंदर है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक नहीं सॉरी इसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करूंगा और ये विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर मेरे से अपने आप हो जाएगा। क्या कहते हैं कि आप ये फाइल क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि इस नाम की कोई फाइल है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, एक तो ये मेरी फाइल लिंक हो जाएगी और विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर भी ये मेरे लिए ये फाइल अपने आप बना देगा। और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, क्या कहते हैं, क्या मैं कर दूंगा जैसे ऑब्जेक्ट्स ट्यूटोरियल इन जावास्क्रिप्ट, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस index.html फाइल को मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लूंगा अपने ब्राउजर के अंदर। और यार यहाँ पर मैं सिंपली अपना कंसोल खोलूंगा और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमें आ रहा है ऑब्जेक्ट ट्यूटोरियल इन जावास्क्रिप्ट। और ये जो आके कोड आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर दो फाइल कनेक्ट की हुई है अपनी HTML के अंदर। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट ट्यूटोरियल इन जावास्क्रिप्ट। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी बात करते हैं। जब हम वेरिएबल्स देख रहे थे तो हम देख रहे थे क्या कहते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे उस वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा लेट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। और ऐसे हम काफी सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसे एज नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर मैं वैल्यू दे सकता हूँ 25। उसके बाद हम एक मेल नाम का वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर मैं दे सकता हूँ एक क्या कहते हैं वैल्यू, क्या दे सकता हूँ दिस इज, जैसे यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ माई मेल एट द रेट मेल डॉट कॉम, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम वेरिएबल्स बना रहे हैं ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसे भी कमेंट कर देते हैं, ऐसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर कुछ की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और जो वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना वो सेम जैसे वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही होते हैं, पर उनमें एक डिफरेंस होता है कि वहां पर हम ना तो लेट यूज करते हैं और ना तो हम ये इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। इक्वल टू के बदले हम वहां पर कोलन यूज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा फोन साइज इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक लेट ह्यूमन नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, ह्यूमन नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करके बनाते हैं और इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन प्रॉपर्टीज हियर, वी डिफाइन प्रॉपर्टीज हियर, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ वी डिफाइन प्रॉपर्टीज हियर और यहाँ पर इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो वो प्रॉपर्टीज होती है ना वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जैसे नेम मतलब जैसे वेरिएबल्स होते हैं वैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब यार ये प्रॉपर्टीज जैसे मैं यहाँ पर ह्यूमन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे ह्यूमन का एक नेम हो सकता है, तो उसका क्या नेम होगा, तो मैं कह देता हूँ उसका नाम है शुभम, शुभम। अब उस ह्यूमन की क्या एज होगी, वो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 78, बहुत बूढ़ा आदमी हो जाएगा, 17 कर देते हैं, 18 कर देते हैं, 18, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम सेमी कॉलम नहीं देते, यहाँ पर हम कोमा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोमा देते हैं। और उसके बाद नेम एज, वो जैसे ह्यूमन की और प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, उसका कलर क्या है, जैसे यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये तो गोरा आदमी है भाई, ये तो गोरा है, ठीक है, और गोरा है और काला भी है, कलर रहने देते हैं यार, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा कलर लिखने का। जैसे नेम एज और इसकी आइस कलर रख लेते हैं, यहाँ पर इसकी आइस कलर क्या है, इसकी आइस कलर है ब्राउन, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा ब्राउन। और इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है, नेम एज, और हम ऐसे बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं कोमा दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे होगा क्या, इस नेम के अंदर ये वाली इसकी वैल्यू होगी, इस एज वाली प्रॉपर्टी के अंदर इसकी जो भी हम यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करें वो वैल्यू होगी, आइस वाली के अंदर जैसे हम यहाँ पर ब्राउन वैल्यू बता रहे हैं, आइस कलर वाली प्रॉपर्टी के अंदर ये ब्राउन वाली वैल्यू होगी। और ऐसे हम बहुत सारे यहाँ पर क्या कर सकते हैं प्रॉपर्टीज इसके अंदर डाल सकते हैं। नेम एज, इसकी हाइट क्या है, ये आदमी 8 फुट का है भाई, बहुत लंबा है, ठीक है। और एक और इसके अंदर चीज डाल सकते हैं हाइट, वेट कितना है, हाइट तो इसकी बहुत है पर इसका वेट कुछ नहीं, ये कितने का है, ये 5 किलो का आदमी है सिर्फ, नहीं 5 भी नहीं, 35 किलो का आदमी है, ठीक है।
और भी चीजें हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे कंसोल लॉक करके दिखाता हूँ इस ह्यूमन को, और ह्यूमन को मैंने कंसोल लॉक करके दिखाया। तो हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आप देख सकते हो इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज है, और ये आई बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और अगर मैं इसका टाइप ऑफ आपको दिखाऊं, इसका टाइप ऑफ दिखाऊं, टाइप ऑफ, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा क्योंकि ये हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको हाउ टू एक्सेस, या हाउ टू नहीं, एक्सेसिंग, अबे क्या हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमें सिंपली क्या दे सकते हैं, हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, टू मेथड्स टू एक्सेस, और यहाँ पर मैं ब्यूटोकल वर्ड रैप कर लेता हूँ यार, सही लगा। अब कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज डिक्रीज करता हूँ, ह्यूमन की मुझे ये नेम को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले होता है हमारे पास, फर्स्ट होता है हमारे पास डॉट मेथड, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, और ये पता नहीं क्या आ रहा है मुझे, ये मैं इसे कमेंट किया। वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं सिंपली लोकूंगा, जैसे यहाँ पर कंसोल लॉक करता हूँ, मैं कहता हूँ कंसोल लॉक करो जो ह्यूमन वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेम प्रॉपर्टी है उसे, और यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर शुभम मिल रहा है क्योंकि नेम वाले ऑब्जेक्ट के अंदर नेम वाली प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, शुभम। अब ये जो ये की वैल्यू पेयर्स आप देख सकते हो, जो ये नेम वगैरह ये वेरिएबल्स के जैसे है, बस यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन दे रहे हैं और यहाँ पर हम लेट नहीं लिख रहे, ठीक है, बस यही है। और अगर आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं को दिखाता हूँ आगे एक और चीज, कि अगर आपको जैसे प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा लंबा सा नाम देना स्पेसिस देके, जैसे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ नेम ऑफ, अगर मुझे ऐसे देना है तो यहाँ पर मैं सीधा नहीं लिख सकता, ये मुझे एरर देगा, तो मैं क्या करूंगा, इसे ऐसे स्ट्रिंग यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रिंग अगर यहाँ पर दूंगा तो यहाँ पर आप देखना मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा, यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा, और ऐसे स्ट्रिंग अगर यहाँ पर मैं दूंगा ना तो मैं जो यहाँ पर डॉट मेथड ही मैं यूज कर सकता, तो यहाँ पर मुझे एक दूसरा मेथड है वो यूज करूंगा, इस दूसरा मेथड ये कैसे है, यूजिंग स्क्वेयर ब्रैकेट्स, यहाँ पर मैं सिंपली कहूंगा, जैसे मैं कहूंगा कंसोल डॉट लॉक करो, क्या कहते हैं, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट दूंगा सिंपली जो मैंने यहाँ पर मतलब प्रॉपर्टीज का नाम दूंगा, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे स्ट्रिंग यहाँ पर दूंगा, मैं ऐसे दूंगा नेम ऑफ, तो अब मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ आप देखना, और यहाँ पर ये कह रहा है नेम ऑफ तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो नेम ऑफ प्रॉपर्टी है भाई साहब, ये बंदा ये गलत बता रहा है। तो अब देखो हमें यहाँ पर शुभम मिल रहा है, वो पता नहीं शायद पता नहीं क्या थी, वो कोई सिंपल सी मिस्टेक थी, तो वो आपको मतलब यहाँ पर पता लग जाएगा हमें यहाँ पर शुभम मिल रहा है, आप देख सकते हो। जब अगर हम जैसे यार आप चाहो डॉट भी यूज कर सकते हो, ये स्क्वेयर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो, डॉट के बाद आपको क्या देना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो, और यहाँ पर ह्यूमन, उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट देखे जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो देना आपको, और ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, ठीक है। एक और चीज देखते हैं हम यहाँ पर क्या, इसके अंदर और चीज क्या देखनी है, हम यहाँ पर इसके अंदर काफी सारे मेथड्स भी डाल सकते हैं, मेथड्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यार आपको ना मेथड्स समझ नहीं आएंगे क्योंकि आपने फंक्शंस नहीं देखे होंगे अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर, मैंने आपको फंक्शंस नहीं समझाए, वो हम देख लेंगे, पर अभी बस इतना ध्यान रख लेना, बस जो भी मैं लिख रहा हूँ उसे बस एक बार दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है, बस देख लेना ऐसे कुछ हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ह्यूमन नाम का फिर से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और ज्यादातर हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट यूज कर लेते हैं, बस ये कुछ ऐसा नहीं कि आप सिंपल कॉन्स्ट यूज करोगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, लेट भी यूज कर सकते हो, वैसे ही कह रहे हैं यार, मतलब आप ज्यादा देखोगे तो लोग कॉन्स्ट यूज करते होंगे, आप चाहो कॉन्स्ट यूज कर लो, लेट भी यूज कर लो, कोई चक्कर नहीं है। जब कहूंगा कॉन्स्ट ह्यूमन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सबसे पहले तो नेम, यहाँ पर मैं दूंगा शुभ। अब इसके अंदर मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, और उस फंक्शन को जब हम कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं तो हम उसे मेथड कहते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे दे दूंगा माई फंक नाम का एक फंक्शन, जो होगा एक फंक्शन, जो एक फंक्शन ही होगा, और ये एक नेम लेगा ऐसा पैरामीटर, जैसे नेम लेगा ऐसा पैरामीटर, और क्या करेगा कंसोल डॉट लॉक कर देगा उस नेम को। अब ये क्या है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा ह्यूमन डॉट जो भी मेरे फंक्शन का नाम है वो, और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ शुभ, शुभ नहीं अब मैं दे देता हूँ राहुल, तो देखना यहाँ पर मुझे राहुल प्रिंट हो रहा है। ये क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया माय फंक नाम का, जो एक फंक्शन है जो नेम ले रहा है, मतलब एक प्रॉपर्टी है जो एक फंक्शन है जिसके पास, पर जैसे हम अगर कुछ ऐसे बनाते हैं तो हम इसे मेथड कहते हैं, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम उसे मेथड कहते हैं। यहाँ पर फंक्शन और उसके अंदर नेम ले रहा है, वो एक नेम ऐसा पैरामीटर ले रहा है, और यहाँ पर पैरामीटर नेम ले रहा है, और कंसोल डॉट लॉक कर उसी नेम को, तो यहाँ पर मैंने उसे क्या कहते हैं यहाँ पर कॉल किया, तो आप देख सकते हो।
तो ऐसे हम मेथड्स भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। और मेथड डिस्क्राइब करने के एक और छोटा सा तरीका, जैसे मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ माई फंक और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ऐसे कंसोल डॉट लॉक करो ये ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फंक्शन कीवर्ड को स्किप कर सकते हैं, सीधा फंक्शन का नाम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी हम एक फंक्शन बना सकते हैं और ये मेरा फंक्शन तब भी रन करेगा, जैसे यहाँ पर मैं अगर कमेंट कर दूं अब भी ये मेरा फंक्शन तब भी काम करेगा कि यहाँ पर मैं फंक्शन कीवर्ड ना दूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसलिए देखने को मिल रहा है, मैं इसके अंदर कंसोल डॉट लॉक कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हो और इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाह रहा, तो यहाँ पर मैं इसे नहीं देता हूँ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर यार मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यार अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आना और मैं आपको कहूंगा मेरे YouTube चैनल पे जाओ और यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, अभी बस यहाँ पर जैसे ये लोड हो जाए वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो आप देखो यहाँ पर एक मास्टर जावास्क्रिप्ट नाम का एक कोर्स चला रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से एंड तक सिखा रहा हूँ, मतलब बिगनर से एडवांस लेवल तक मास्टर कराऊंगा आपको जावास्क्रिप्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते करते ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अभी ये नहीं बताऊंगा क्या कहते हैं ये फंक्शन होता क्या है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे और जब हम वो वीडियो देख लेंगे आपको ये अपने आप ही क्या कहते हैं यार बहुत मतलब समझ आ जाएगा कि ये है क्या, और आपको अपने आप ही मतलब बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि यार हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं। ठीक है यार, तो कोर्स यार आज की स्टूडियो के अंदर इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आते हो सब्सक्राइब करना और इस कोर्स को जरूर एक्सेस कर लेना अगर आपने ये कोर्स एक्सेस नहीं किया है। ठीक है यार, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट स्टूडियो के अंदर।